सवाल ये है कि अगर मेरा मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होता तो मैं एक बात को बहुत टाइप ऑफ में कहती, लेकिन आप लोग बखूब गवाह हैं कि मैंने कोई भी बात एक बार एक चीज को मैंने दो किस्म या तीन किस्म या कभी ये कभी वो कहा नहीं कहा। समी की बात, समी कभी कहते हैं कि मैं आलिशबा को नहीं जानता, कभी कहते हैं कि मैंने दुबई का वीजा नहीं करवाया, कभी कहते हैं कि आलिशबा को मैं जानता हूँ, आलिशबा को मुझे पैसे लेने हैं, कभी कहता है कि ये फोन मेरा नहीं है, कभी कहता है फोन मेरे पास था, कभी कहता है ये चैटिंग मैंने नहीं किए मोहम्मद भाई ने किए, कभी कहता है कि दुबई में ये फोन जब मेरे पास था तब मैंने चैटिंग करा। तो मानसिक संतुलन किसका खराब है? मैं ऑडियो भी सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। आपने लीगल एक्शन लिया है मैडम, जस्ट वेट, साइलेंस प्लीज, साइलेंस साइलेंस। झूठ मत बोलो प्लीज। आप अच्छा आप एक बात बताओ, आप सच किसके कसम देने से आप सच बोलेंगे? आपको आयरा का परवाह नहीं, मेरा परवाह नहीं, आपके माँ बाप का भी परवाह, आपको तो किसी का परवाह नहीं। क्या वो पाकिस्तानी लड़की का शायद आपको परवाह हो सकता है? तो मैं आलिशबा का कसम देकर आपको कहती हूँ कि आप सच सच बताओ कि ये काम आपके है या नहीं। अच्छा नहीं कह दिया ना, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब जब ये फोन मेरे पास आए हैं और सब आपके अकाउंट से हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, डेट बाय डेट हुए हैं। अच्छा दुबई में तो मोहम्मद भाई नहीं थे, जिस टाइम आपकी फ्लाइट लैंडिंग हुई, जिस टाइम आपने जिससे वीजा लगवाया, आप तो कह रहे थे कि दुबई का वीजा आपके पास नहीं था, तो वीजा कैसे लग गया आपका दुबई का? आपने तो मुझसे कहा था फोन पे कि मैं होटल के रूम से बाहर नहीं निकल सकता बिकॉज दुबई का वीजा मेरे पास नहीं है, आपने मुझसे ये कहा था? लेकिन आपने वीजा करवाया, तो आपने झूठ क्यों बोला कि मुझे क्योंकि मैं होटल के रूम से नहीं निकल सकता, मैं वीजा नहीं करवाया हूँ, मेरा वीजा नहीं है, मैं तो वाया आया हूँ, क्यों झूठ बोला आपने? नहीं ठीक है चलिए, ये बात तो क्लियर हो गया क्या आपने मुझे झूठ बोला था। सेकेंड थिंग, आलिशबा के साथ आलिशबा को आप मैसेज करते हैं कि ये रूम इस नाम पे बुकिंग है सेम होटल में, तो ये भी मोहम्मद भाई ने किया था क्या? लेकिन जब बेल्ट नंबर 7 में, नहीं बेल्ट नंबर 7 में जब आलिशबा खड़ी थी, आप उससे पूछ रहे हो, वो आपसे पूछ रही है ये बातें, तो ये टाइमिंग, ये डेट, आपका लैंडिंग का टाइम, टेक ऑफ का टाइम, ये सब कुछ मतलब मोहम्मद भाई कर रहे थे क्या? किससे पैसे लेने थे समीर? मोहम्मद भाई ने पैसे भिजवाए थे मुझे उससे पैसे लेने थे। किससे? किससे? आलिशबा से। लेकिन आपने तो मुझे पहला दिन परसों जब मैंने आपसे सारी बातें कही, परसों कल का रात को ही जब मैंने सारी बातें आपसे कही, तो आप तो बोले कि तुम आलिशबा कहाँ से आ गई? पहले तुमने आपने तो मुझे ये बात कही कि आलिशबा कहाँ से आ गई, पहले तुमने वो आलिशा को लेकर ड्रामा करा, अभी आलिशबा कहाँ से आ गई, और फिर अभी आप कह रहे हो कि तो और आपने आलिशबा के साथ सेक्स भी किया? अच्छा अच्छा, जबरदस्ती की बातें अगर है और आपको मोहम्मद भाई से पैसे ले, उससे आलिशबा से मोहम्मद भाई के पैसे आपको लेने थे, मोहम्मद भाई फर्स्ट थिंग आलिशबा को नहीं जानते, सेकंड थिंग है आलिशबा के साथ मोहम्मद भाई के पैसे लेने का कोई कनेक्शन नहीं है, मोहम्मद भाई खुद फंस चुके हैं इस बात को लेकर, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि आपने कहीं भी चैटिंग में
40 बार के साथ ये नहीं कहा है कि मोहम्मद भाई के पैसे दो, हम मिस करेंगे, हम किस करेंगे, हम बाहों में घुसेंगे, हम सेक्स करेंगे, ऐसे ही करा है आपने, तो ये सब पैसे लेने देने का क्या मैटर है? नहीं तो अरे कहना क्या चाह रही हूँ मैं, आपको बोलना पड़ेगा ना आपकी गलती, आपने ये सब जो